वेलकम गाइज एस एस सी आई क्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, सिविल का जो है रिजल्ट प्री का आ चुका है, सिविल यूपीएससी ने जस्ट किया है। तो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताऊँगा कैसे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले गूगल होम पेज पे चले जाएं, गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलें, गूगल के होम पेज पे चले जाएं, वहाँ पर सर्च करें यूपीएससी ऑनलाइन, ठीक है, यूपीएससी ऑनलाइन आप सर्च करें। इसको सर्च करने के बाद आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जो साइट दिख रही है, ये जो तीसरे नंबर पे है upsconline.nic.in, इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारा जो दिखा रहा है, तो ये जो पहला जो है, ये जो रिजल्ट सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020, ये ही रिजल्ट है जिसमें आपको ये दोनों में मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा पीडीएफ, हिंदी में भी पीडीएफ मिलेगा। जो भी आपको ज़रूरत है वो इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए मैं हिंदी में आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे। तो सिंपली आपको क्लिक करना है हिंदी वाले पे, हिंदी वाले पे देखिए मैंने क्लिक कर दिया, ये डाउनलोड के लिए मांग रहा है, डाउनलोड कीजिए, ओपन कीजिए। जैसे ही ओपन होता है वहाँ पर आपको नेट यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है प्रेस सूचना ब्यूरो भारत सरकार प्रेस नोट सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का परिणाम। ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो 4 अक्टूबर को हुआ था और ये काफ़ी फास्ट है, जो यूपीएससी ने इतनी फास्ट रिजल्ट दिया है पहली बार देखा गया है कि इतनी फास्ट काम को अंजाम दिया गया है, रिजल्ट को घोषित किया गया है। काफ़ी खुशी वाली बात है जो इतनी तेज़ी से काम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए डिटेल में दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। दिनांक 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों सिविल सेवा प्रधान मीन्स मेंस परीक्षा के लिए इनको अर्हता प्राप्त कर ली है। किसने अर्हता प्राप्त कर लिया है? जिनका इसमें रोल नंबर आपको मिलेगा रिजल्ट में, ठीक है। यहाँ पर देखिए बॉटम में जाएंगे, जब यहाँ पर देखिए सबका रोल नंबर दिया हुआ है, जिन स्टूडेंट को क्वालिफाई किए हैं उनको यहाँ पर रोल नंबर वाइज सारा कुछ दिखाया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा लंबा लिस्ट है पूरा, यहाँ पे जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनके रोल नंबर को आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। सिंपली अगर आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करके, आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, अपना रोल नंबर डायरेक्ट डाल सकते हैं। कैसे करना है वो देखिए, यहाँ पर आपको हमेशा यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पे है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप अपना रोल नंबर यहाँ पे डालें, वो तुरंत का तुरंत सर्च कर देगा, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है जो आपको किसी कोई बताएगा नहीं पीडीएफ में कैसे सर्च करना है। चलो ये हो गया, अब हम बात करते हैं और क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि जो आवेदन है प्री का वो हो गया है, लेकिन आपको मेंस के लिए फिर से एक आवेदन करना होता है। जैसे यहाँ पर आवेदन प्रपत्र दिया हुआ है डीए फर्स्ट में पुनः आवेदन करना है, जो संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर 28 अक्टूबर से दिनांक 11 नवंबर तक शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। इसके बीच में आपको सारा का सारा फॉर्म फिलअप करके अप्लाई कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो एग्ज़ाम है वो 8 जनवरी 2021 से आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा मेंस की परीक्षा में प्रवेश हेतु डीएफएस को ऑनलाइन भरना है, उसे ऑनलाइन जमा कर दें, उसके बाद आप एग्ज़ाम इजीली दे पाएंगे। तो इस तरह से ये सारा कुछ डिटेल इसमें दिया गया है, ये आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लें। तो जो जो लोग इस परीक्षा में पास हुए हैं उनको बड़ा बड़ा वेलकम है, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि उम्मीदवारों को ये भी सूचित किया जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा 2020 के माध्यम से लिए गए स्क्रीनिंग टेस्ट के कट ऑफ अंक और उत्तर की सिविल मेंस 2020 की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने पर अर्थात सिविल सेवा परीक्षा 2020 के अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद ही आयोग वेबसाइट पर मिलेगा। मतलब आपका मेंस का जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही आपको आंसर की और कट ऑफ वगैरह सारा का सारा डिटेल में प्री का मिल जाएगा, उसके पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिटेल यहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट इसमें
पास किए हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उनको बहुत सारी ढेर ढेर बधाइयाँ, बहुत बड़ा बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें, आपका मेंस भी क्लियर होगा, आप फतह करके आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और आपने अगर वीडियो को देखा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो बेल आइकन भी दबा लीजिए, बेल आइकन दबाने से आपको क्या होगा, आपको जैसे ही वीडियो मैं डालूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।